नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे देश में बनने वाले टॉप 8 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बारे में। सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलेगी और पता चलेगा कि हमारे देश में कौन कौन से बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स प्लान किए जा रहे हैं, किनका काम शुरू हो चुका है और किनका काम शुरू होना बाकी है, और जिन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है उनका कितना काम हो चुका है और कितना आने वाले टाइम में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एंड तक इसको जरूर से देखना। साथ ही साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे जाकर भी हमारे देश में डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 8 पर यहां पर जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर निकल कर आता है इसका नाम है चेन्नई से लेकर मैसूर के बीच में बनने वाला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। इसकी कुल लंबाई 435 किलोमीटर की रहने वाली है, जिसके अंदर कुल 9 स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा या फिर 9 बुलेट ट्रेन स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसी के साथ में अगर हम लोग इसके प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2020 के अंदर NHSRCL ने इसकी बेसिक टेंडरिंग प्रोसेस जो है इसको शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत यहां पर डाटा कलेक्शन और सर्वे, साथ ही साथ में आप लोगों को जो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग रहती है यानी कि कहां कहां से हमारी जो बुलेट ट्रेन है वो पास होकर निकलेगी, कहां कहां पर हम लोगों को ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, कौन सी रिवर के ऊपर, कैनल के ऊपर, रोडवेज के ऊपर, रेलवेज के ऊपर कहां कहां पर ब्रिजेस बनेंगे, ये सारी चीजें पता ही लगाई जाएगी। राइडरशिप स्टडी होती है कि अगर हम लोग यहां पर बुलेट ट्रेन चलाते हैं तो हम लोगों को कितने पैसेंजर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, और साथ ही साथ में एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टडी जो है, इन सभी के सर्वेस जो है ये पूरी तरह से कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ में अगर हम लोग 9 स्टेशंस के बारे में बात करें कि कौन कौन से 9 स्टेशंस रहने वाले हैं, तो ये बुलेट ट्रेन जो है ये चेन्नई से शुरू होकर पोन्नामली, अराकुरम, चित्तूर, बंगरापेत, बेंगलोर, चेन्नापटना, मंदिया और आखिरी में जाकर मैसूर पर ख़त्म होगी। हो सकता है कि मैंने किसी जगह का नाम यहाँ पर गलत ले लिया हो, तो सभी स्टेशंस के नाम अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग काफ़ी आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पर यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर निकल कर आता है इसका नाम है दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। अब इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो ये कॉरिडोर जो है ये 465 किलोमीटर लंबा रहने वाला है और इसके अंदर 13 रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अब 465 किलोमीटर में 13 रेलवे स्टेशन, ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट वाली बात ये है कि संगरूर में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा जहाँ से एक स्पर लाइन रहेगी या फिर आप बोल सकते हैं कि एक कनेक्टिंग लाइन रहेगी जो कि जाएगी चंडीगढ़ की तरफ में, और चंडीगढ़ के बीच में भी 2-3 रेलवे स्टेशन और रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर टोटल रेलवे स्टेशन जो है ये 13 हो जाते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्रेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वही बेसिक टेंडरिंग प्रोसेस जो है ये NHSRCL ने शुरू करी है, जिसके अंदर डाटा कलेक्शन और सर्वे का काम, साथ ही साथ में लीडार सर्वे जो रहता है उसका काम, इसके बाद में हमारा आप बोल सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट सर्वे रहता है, राइडरशिप सर्वे रहता है, इन सभी का काम जो है ये शुरू कर दिया गया है। अब इसके साथ में अगर हम लोग बात करें स्टेशंस के बारे में तो यहाँ पर स्टेशंस जो हैं इसमें से पहला स्टेशन रहेगा दिल्ली के अंदर, इसके बाद में आता है असौधा, इसके बाद में रोहतक, जिंद, खेताल, संगरूर, मलेरकोटला, लुधियाना, जलंधर और आखिरी में अमृतसर। अब दोस्तों, एक स्पर लाइन जो है ये हमारे संगरूर से कट जाएगी, तो संगरूर के बाद में आएगा पटियाला, राजपुरा और फिर लास्ट में आएगा चंडीगढ़। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट हम लोगों को देखने के लिए मिला है, इसका एक अलाइनमेंट आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा। अब दोस्तों, नंबर 6 पर जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर आता है इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जो कि बन रहा है मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में। ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा रहने वाला है, जो कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में बनेगा या फिर साबरमती के बीच में बनेगा आप लोग बोल सकते हैं। इस कॉरिडोर के लिए टोटल 1.1 लाख करोड़ रुपीस जो है ये इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और बुलेट ट्रेन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 750 पैसेंजर्स की रहेगी, लेकिन इसको आगे जाकर 1250 पैसेंजर्स तक भी लेके जाया जा सकता है। इसके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है ये शुरू हो चुके हैं, स्पेसिफिकली यहां पर मैं बात कर रहा हूं गुजरात के बारे में। रिसेंटली इसकी एक प्रोग्रेस वीडियो जो है वो मैंने आप लोगों को बताकर बताई थी, तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो अभी आई बटन के ऊपर आप लोगों को हाईलाइट होती हुई दिख रही होगी। इस कॉरिडोर के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं काफी सारी वीडियो इसके बारे में बना चुका हूं। अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट रहेगी बुलेट ट्रेन इंडिया, वहां पर आप लोग जाकर इसके बारे में सभी डिटेल्स जो है ये देख सकते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पर यहां पर जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर निकल कर आता है वो आता है मुंबई से लेकर नागपुर के बीच में बनने वाला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। इसकी कुल लंबाई 741 किलोमीटर की रहने वाली है और इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 12 रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अब ये 12 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं इसके बारे में भी हम लोग
लोग आगे जाकर बात करेंगे। प्रोग्रेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सितंबर 2020 के अंदर NHSRCL ने इसकी टेंडरिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया है, यानी कि वही डाटा कलेक्शन और सर्वे का काम, इसी के साथ में हमारा ये जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट स्टडी है, राइडरशिप स्टडी है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग का काम है, ये सभी अलग अलग फर्म्स को अलॉट कर दिया गया है और सभी फर्म्स जो है अपना काम कर रही हैं। धीरे धीरे कर ये सभी डाटा इकट्ठा हो जाएगा और आने वाले टाइम में हम लोगों को इस प्रोजेक्ट की DPR के ऊपर काम शुरू होता हुआ दिखेगा। अब अगर हम लोग स्टेशन के बारे में बात करें तो मुंबई से शुरू होने के बाद में शाहपुर, इगतपुरी, नासिक, शिरडी, औरंगाबाद, जलना, महकर, मालेगांव, करंजा, फूलगांव, वर्धा होते हुए ये आखिरी में नागपुर जाएगी। दोस्तों नंबर 4 पर यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर निकल कर आता है, इसका नाम है वाराणसी से लेकर हावड़ा के बीच बनने वाला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। अब इस स्पेसिफिकली बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बारे में बात करें तो इसकी कुल लंबाई जो है ये 760 किलोमीटर की रहने वाली है और इसके अंदर 10 रेलवे स्टेशन या फिर 10 बुलेट ट्रेन के रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अब ये 10 रेलवे स्टेशन कौन कौन से रहने वाले हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि दिसंबर 2020 के अंदर इसकी टेंडरिंग प्रोसेस को शुरू किया गया है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका कंस्ट्रक्शन जो है ये हम लोग को 2030 के बाद ही देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिली है, लेकिन 2030 के बाद में देखने के लिए मिलेगा, ऐसे कुछ सोर्सेज जो है मेरे को 2-3 वेबसाइट के ऊपर देखने के लिए मिले। तो हो सकता है कि ये सच हो सकता है कि झूठ हो, लेकिन अगर सच है तो हम लोगों को आने वाले 10 साल तक इस पर्टिकुलर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का इंतजार करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग स्टेशन के बारे में बात करें, वैसे अगर मैं आप लोगों को प्रोग्रेस के बारे में बात करूं तो मैं जो हमने पिछले 2-3 कॉरिडोर के बारे में बात करी है कि डाटा कलेक्शन और सर्वे और LiDAR सर्वे और हमारा ये जो राइडरशिप स्टडी रहता है और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट स्टडी रहता है, ये सभी कॉरिडोर्स में कॉमन है, ये सभी कॉरिडोर्स में इनका काम जो है ये शुरू कर दिया गया है। तो अब ये बार बार बोलना मुझको सही नहीं लग रहा है क्योंकि इससे वीडियो की जो लेंथ है वो सिर्फ बढ़ेगी। स्टेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों वाराणसी से लेकर हावड़ा के बीच में, वाराणसी से शुरू होने के बाद में ये बक्सर, अर्रा, पटना, नवादा, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान और आखिरी में हावड़ा तक जाएगी। दोस्तों यहाँ पर नंबर 3 पर जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर निकल कर आता है वो आता है मुंबई से पुणे के रास्ते हैदराबाद तक बनने वाला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। अब इस पर्टिकुलर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की कुल लंबाई 767 किलोमीटर की है और इसके अंदर 11 रेलवे स्टेशन जो है इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अब ये रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे जाकर बात करेंगे। इससे पहले अगर हम लोग बात करें इसकी प्रोग्रेस के बारे में तो बेसिक टेंडरिंग प्रोसेस जो है ये शुरू हो गई है। इसका मतलब कि अभी मैंने आप लोगों को इतनी बार जो बताया है कि डाटा कलेक्शन सर्वे और ये राइडरशिप स्टडी, वही सारी चीज़ें इसके अंदर भी हैं कि इन सभी सर्वे का काम जो है वो इसके अंदर कर दिया गया है और ये सब सर्वे जो कंप्लीट हो जाते हैं इसके बाद में इन सभी डिटेल्स को हमारी DPR के अंदर यूज़ किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें जो है ये अभी अंडरस्टूड हो गई हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बारे में कि कौन कौन से रेलवे स्टेशन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ये शुरू होगी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से मुंबई के अंदर। इसके बाद में ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक स्टॉप लेगी, फिर जाएगी लोनावला, पुणे, दौंड, अकलूज, पंदरपुर, सोलापुर, गुलबर्ग, जहीराबाद और आखिरी में पहुंचेगी हैदराबाद। दोस्तों यहाँ पर नंबर 2 पे जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर निकल कर आता है इसका नाम है दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जिसकी कुल लंबाई 865 किलोमीटर की रहने वाली है और इसके अंदर 12 रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि इसकी कुल लागत जो आने वाली है ये 1.21 लाख करोड़ रुपीज़ की आने वाली है। अब अगर हम लोग बात करें टेंडरिंग प्रोसेस के बारे में तो फरवरी 2020 के अंदर NHSRCL ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी बेसिक टेंडरिंग प्रोसेस शुरू करी है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई है क्योंकि बीच में मार्च के अंदर लॉकडाउन लग गया था, फिर कोविड की पूरी सिचुएशन चल रही है। हालांकि करंटली जो हमारी जिन भी कंपनियों को ये सर्वे का काम दिया गया है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही हैं और उम्मीद करी जा रही है कि बहुत ही जल्दी हम लोग को इस स्पेसिफिकली बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की DPR देखने के लिए मिल सकती है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि कौन कौन से स्टेशन के ऊपर ये बुलेट ट्रेन रुकेगी, तो शुरुआत यहाँ पर होने वाली है दिल्ली के अंदर सराय काले खां से। इसके बाद में ये जाएगी नोएडा, फिर जेवर एयरपोर्ट जो कि हमारा सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहने वाला है। इसके बाद में मथुरा, आगरा, न्यू इटावा, साउथ कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज या फिर इलाहाबाद आप बोल सकते हैं। इसके बाद में न्यू भदोई और आखिरी में पहुंचेगी वाराणसी। दोस्तों आखिरी में नंबर 1 पर यहां पर जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर निकल कर आता है इसका नाम है दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जिसकी कुल लंबाई 886 किलोमीटर की रहने वाली है। क्योंकि ये राजस्थान से पास होकर निकलेगा तो इसको जो है थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा लंबा बनाया जा रहा है। इसमें कुल 12 रेलवे स्टेशन जो है इनका कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है। अब बेसिक टेंडरिंग प्रोसेस जो है इसकी सितंबर 2020 के अंदर शुरू कर दी गई है, यानी कि वही सारी चीज़ें
डाटा कलेक्शन सर्वे और ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आप लोगों को बताई, ये सारे सर्वे अभी तक जब तक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम लोगों को DPR देखने के लिए मिलेगी, और DPR देखने के बाद में हम लोगों को आने वाले टाइम में इसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू होते हुए देख सकती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसके रेलवे स्टेशन के बारे में कि कौन कौन से रेलवे स्टेशन जो हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले हैं, तो यहाँ पर ये शुरू होगी हमारे दिल्ली से, और दिल्ली में एक्सपेक्ट किया जा रहा है या तो ये बिजवासन या फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली है। इसके बाद में गुड़गांव, मनेसर, रेवाड़ी, निमराना, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर और आखिरी में अहमदाबाद तक जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को सभी 8 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इन सभी 8 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स का काम जो है हम लोगों को आने वाले कुछ सालों के अंदर शुरू होता हुआ दिख जाएगा। एक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम जो है ये शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं, जो कि है मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में बनने वाला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जिसकी कुछ वीडियोज़ पिक्चर्स मैंने शेयर करी है मेरी लास्ट वीडियो में जब मैंने इसकी प्रोग्रेस के बारे में बात करी थी। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं चैनल के ऊपर, या फिर लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में इन सभी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स में शिंकासेन E5 क्लास की बुलेट ट्रेन जो है ये यूज करी जाएगी, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आर की है, लेकिन इसको 320 kmph की स्पीड के ऊपर चलाया जाने वाला है। तो काफी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, काफी सारी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द ये सभी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो हैं ये इंडिया में बन जाएं और ये शुरू हो जाएं। अब देखने वाली बात है कि कब तक ये काम हो पाता है। आप लोगों को क्या लगता है इन सभी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के बारे में, आप लोग मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप लोगों के एरिया से कोई भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पास होकर निकलता है तो आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन सभी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के लिए, आप लोग मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं, आगे जाकर हमारे देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी अ ट्रैवलर, बी अ एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।